गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे CBSE ने एक सर्कुलर अभी जारी किया है ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कंपार्टमेंट आई थी बच्चों की 10th में 12th में, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे कंपार्टमेंट में फर्स्ट चांस जिनका है उनके लिए। दूसरा, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पास्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इन 2023 मैन एग्जामिनेशन, इम्प्रूवमेंट जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए। तीसरा पॉइंट है सी ऑप्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th, 10th में यानी कि 2 सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आप भर सकते हैं। तीसरा है 12th क्लास में 1 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु पास्ड इन द 2023 मैन एग्जाम्स एंड इन द सब्जेक्ट हुज लिस्ट इज इंक्लोज्ड इन एनेक्सरी 5 एक सब्जेक्ट लिस्ट पूरी दी हुई है, उसमें जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से आप यानी कि इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कंपार्टमेंट, थर्ड चांस जिस बच्चे का कंपार्टमेंट का है जो रेगुलर स्टूडेंट थे। स्टूडेंट्स कैन अपीयर ओनली एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो वो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में यानी कि मान्य होंगे जो थर्ड यानी कि जिनको कंपार्टमेंट में चांस मिल रहा है। ए सेपरेट सर्कुलर फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स हैज़ ऑल्सो बीन इशूड एंड इज़ अवेलेबल एट द वेब लिंक, तो इस वेबसाइट पर उनके लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए अलग एक सर्कुलर अवेलेबल है, तो वो हम आपको उसके बारे में यानी कि वीडियो बाद में बना देंगे। तो अभी हम इन टॉपिक्स पे पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप की कंपार्टमेंट आई है, आप इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट डेट कब होगी, फीस कितनी होगी और एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, डिटेल में समझाएंगे। तो ये 11 पेज का सर्कुलर है, तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, ताकि आपको यहाँ पे पूरी डिटेल समझ में आ जाए और आपको किसी और से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये CBSE की तरफ से आज 29/5/2023 आज की डेट में ये सर्कुलर जारी किया है। तो ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए है, तो यहाँ जो ये एग्ज़ाम की यानी कि जो ये शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे 2022-23 के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो शुरू होगा वो 1/6/2023 थर्सडे से, यानी कि आप इसको फिल कर पाएंगे, लेकिन आप खुद नहीं फिल करेंगे, क्योंकि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल के माध्यम से ये अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट मत चले जाना कि आप डायरेक्ट इस लिंक पे जाएं और खुद करना शुरू कर दें, तो वो गलत तरीका हो जाएगा। सबमिशन ऑफ LOC इज़ टू बी डन थ्रू द परीक्षा संगम इन लिंक ऑन CBSE वेबसाइट, तो वो स्कूल वालों के लिए है। ऑन दोज स्टूडेंट्स हु हैज नेम इज सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस शैल बी अलाउड टू अपीयर फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023। वही स्टूडेंट्स यानी कि उसमें जिनका डाटा सबमिट होगा वही अपीयर हो सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023 में। यानी कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं, यानी कि जो CBSE के अंडर जिनकी कंपार्टमेंट आई है, वो बच्चे एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भरेंगे स्कूल के माध्यम से भरेंगे, तो जो बच्चे वहाँ पर फीस जो भी सबमिट करेंगे उसके बाद में आप वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं। उनके अलावा अगर कोई बच्चा फीस सबमिट नहीं करता है, जो डिटेल मांगी जा रही है वो सबमिट नहीं करता है, तो वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। द स्कूल विल हैव टू यूज़ योर एप्लीकेशन नंबर, यूज़र ID, पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द फॉर लॉगिंग इन द सिस्टम फॉर सबमिशन ऑफ LOC। यानी कि स्कूलों के लिए एक एप्लीकेशन नंबर होता है, एक यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाता है, तो वो उनके पास में ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके माध्यम से वो फिल करेंगे बच्चों के जो भी डिटेल्स हैं। प्लीज़ नॉट फॉर कंप्लेंस, स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर सेशन 2022-23 एज ए रेगुलर स्टूडेंट्स फ्रॉम CBSE एफिलिएटेड स्कूल एंड हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, तो यहाँ पर सीधा कह रहे हैं कि जो CBSE बोर्ड के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी अगर कंपार्टमेंट आई है, तो उन बच्चों को क्या करना है, यानी कि वो अप्लाई कर सकते हैं। शुड अप्रोच द स्कूल फ्रॉम विच दे हैव अपीयर्ड इन 2023 मैन एग्जामिनेशन, जिस स्कूल से आपने 2023
में मैन एग्ज़ाम दिए हैं तो उसी स्कूल में आपने जाना होगा। क्या करना है फिर आगे, सिमिलरली द स्कूल हैज़ ऑल्सो कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट्स प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी, तो उन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट में रखना है और उनसे कॉन्टैक्ट करना है, वो स्कूल यानी कि आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आप भी सीधे स्कूल में जाके अपने एग्ज़ाम इंचार्ज से मिल सकते हैं, अपने क्लास टीचर से मिल सकते हैं, तो वो आपको और गाइड कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बताने सर्कुलर के अंदर क्या है, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में कॉन्टैक्ट आपसे बताया जाएगा कि यानी कि वो एग्ज़ाम कब है। तो यहाँ अगला पॉइंट है, ऑल्सो द स्कूल शैल इन्फॉर्म देयर कैंडिडेट्स इफ़ डिक्लेयर्ड पास, जो बच्चे डिक्लेयर हो चुके हैं जिनका रिजल्ट पास में डिक्लेयर्ड है बट विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन टू सब्जेक्ट्स इन क्लास टेंथ सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ वैलिड कम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर डेड सीट, जो डेड सीट है उसके अनुसार वो दो सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट भर सकता है, एंड वन सब्जेक्ट इन क्लास ट्वेल्थ, और ट्वेल्थ में एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट भर सकता है। स्कूल शुड सबमिट LOC, स्कूल सबमिट करेंगे, जो LOC है वो स्कूल सबमिट करेगा, ऑल द स्टूडेंट्स प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इवन इफ़ दे आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स, यानी कि किसी स्टूडेंट से अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, नॉन सबमिशन ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स विल केस द अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यानी कि स्कूल शुड सबमिट LOC सबमिट करेगा जो स्कूल है, स्टूडेंट्स प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी उस स्टूडेंट को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखना है, इवन इफ़ दे आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट नहीं होता तब भी नॉन सबमिशन ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी कि उसका सबमिशन नहीं करना है विल केस अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम वो बच्चा दोबारा दे सकता है। इट विल बी द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द स्कूल टू सबमिट LOC विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल, तो इसके लिए एक तो यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है उसी के अंदर में वो यानी कि सबमिट करना होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द डेट ड्यू टू एनी रीजन ऑफ द एक्सेप्टिंग एनी कैंडिडेट आफ्टर द लास्ट डेट इज ओवर विल बी कंसिडर्ड, अगर किसी भी स्टूडेंट को बाद में कोई रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, अगर वो बच्चे यानी कि लास्ट डेट जो दी गई है उसके बाद में अगर वो आते हैं तो, यानी कि CBSE उनको कोई चांस फिर नहीं देगी, सीधी सीधी बात है। तो यानी कि जो टाइम है बाउंड है, जो शेड्यूल दिया गया है उसी के अंदर में आपने स्कूल्स में कॉन्टैक्ट करना है और अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, जो भी फीस यहाँ पे दी गई है। आगे द स्कूल शैल सबमिट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स द LOC उनकी सबमिट करेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एज पर कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी गिवन इन एनेक्सरी फर्स्ट में जो कंडीशंस दी गई हैं एलिजिबिलिटी, जो यानी कि जो बच्चा कर सकता है तो वही यानी कि उसकी LOC यानी कि जमा होगी। आगे इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म द शेड्यूल स्कूल्स दैट द स्टूडेंट्स हु अपीयर इन सेशन 2021-22, यानी कि जो बच्चे अपीयर होते हैं 2021-22 सेशन में फुल सब्जेक्ट 5-6-7 एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज आइदर एज ए रेगुलर स्टूडेंट्स थ्रू स्कूल अप्लाइड टू द बोर्ड ऑफ एज ए प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड देयर रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट एंड दे कुड ऑल्सो नॉट पास इन कंपार्टमेंट 2022 एग्जाम फर्स्ट चांस 2023 में सेकेंड चांस ऑल सच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली एज ए प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर थर्ड एंड लास्ट चांस इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। देखो जिन बच्चों ने 2021 में एग्ज़ाम दिया, कंपार्टमेंट आई, चांस मिला नहीं दी हुआ, फिर 2023 में एग्ज़ाम दिया, सेकेंड चांस मिला नहीं हुआ, उनके लिए अब ये लास्ट चांस दिया जा रहा है यानी कि थर्ड चांस दिया जा रहा है एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के माध्यम से खुद अपना सबमिट कर सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स, जो यानी कि जिनका थर्ड चांस है, ठीक है जी, समझ आई बात। मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू पास इन एग्जामिनेशन, यानी कि 3 चांस आपको दिए जा रहे हैं प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी में, कंपार्टमेंट कैटेगरी है तो आपको 3 चांस यहाँ पे दिए जा रहे हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। आगे सेपरेट सर्कुलर इज द रिगार्डिंग हैज़ बीन इशूड फॉर द मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट वेब लिंक दिस, यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से एक सर्कुलर जारी किया गया है। स्कूल्स में एडवाइस डायरेक्ट सच प्राइवेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई ओनली डायरेक्ट थ्रू CBSE वेबसाइट, तो वो बच्चे डायरेक्ट CBSE की वेबसाइट पे जाके सीधा फिल कर सकते हैं, तो उनके लिए जो सर्कुलर आया है वो हम बाद में आपको बता देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी सेम एज
फॉर बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन होगी वो दोनों की दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है जी। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी क्वारीज रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन, अगर उन बच्चों को कोई दिक्कत आती है ऑनलाइन सबमिशन में तो वो आईटी ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीजनल लेवल पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट का उन्होंने लिंक दिया हुआ है। कंसोलिडेट मार्कशीट, जो कंसोलिडेट मार्कशीट है, विल बी इशूड ओनली द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट, जिन बच्चों का रिजल्ट कंपार्टमेंट आया है उन बच्चों को कंसोलिडेट मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड हु विल बी डिक्लेयर्ड एंड पास सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023, हु विल बी डिक्लेयर्ड, जैसे ही वो यानी कि जो बच्चे हैं वो अगर डिक्लेयर कर लेते हैं एज ए पास इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023, ठीक है जी, तो उनके लिए कंसोलिडेट मार्कशीट इशू की जाएगी। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 विल बी कंडक्ट बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2022-23 विच इज़ अवेलेबल ऑन द CBSE वेबसाइट एट द लिंक। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो होगा विल बी कंडक्ट बेस्ड ऑन द सिलेबस, जो सिलेबस था 2022-23 का उसी सर्कुलर उसी यानी कि सिलेबस के आधार पर आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। जो पोर्शन कटा हुआ था 2022-23 में वही कटा रहेगा, यानी 2024 का अगर आप लगा लो 23-24 वाला सेशन तो वो नहीं मान्य होगा, ठीक है, 2022-23 सेशन वाला ही यहाँ पे मान्य होगा। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप सीधे पहुँच जाएंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन ओनली बी डन इन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द एनेक्सरी 5, जो जिन सब्जेक्टों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनकी लिस्ट नीचे दी गई है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे बात करते हैं, और LOC में भी फील्ड एज पर द करंट स्टेटस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का रिजल्ट है उसके हिसाब से LOC तैयार होगी, करंट स्टेटस उसका जो भी होगा। शेड्यूल ऑफ एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कब होगा ये सबसे बड़ी बात है, तो ये बात आप सब माइंड में रख लीजिए। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन यानी कंपार्टमेंट एग्जाम जो आपके होंगे वो होंगे 12th के 17 जुलाई 2023 मंडे से शुरू होगा, तो 10th का भी 17 जुलाई 2013 से ही शुरू होगा। प्लीज चेक द डेट शीट व्हेन रिलीज्ड बाय द CBSE, जब CBSE डेट शीट अनाउंस करेगी तो हम आपको वो डेट शीट भी बिल्कुल बताएंगे कि किस किस डेट पे किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो हमारे साथ में आप बने रहिए, बिल्कुल हम आपको वो भी जानकारी देंगे कि कौन सी डेट में कौन सा एग्ज़ाम आपका है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में है तो उसी सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि उस सब्जेक्ट का पेपर कब है, ठीक है जी। तो आगे डेट शीट ऑफ डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली, यानी कि जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके इन्फॉर्म सेपरेटली। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शंसी ऑफ एडमिट कार्ड स्कूल शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्नड रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड इमीडिएटली, अगर किसी बच्चे के एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो वो CBSE बोर्ड के जो रीजनल ऑफिस होते हैं वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पहले एनेक्सरी में, एनेक्सरी 2 में शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर 10th और 12th की फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, डिटेल प्रोसीडर ऑफ द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका प्रोसेस क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन विच द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, और कौन कौन से एग्जाम में सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे नीचे आपको एनेक्सरी 5 में दिखाया गया। कॉपी ऑफ वेब एडमिन विद द रिक्वेस्ट टू अपलोड ऑन द CBSE वेबसाइट। एनेक्सरी 1st, ये एनेक्सरी 1st है, इस एनेक्सरी 1st में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022-23, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th में अगर आप हैं तो आप कब अप्लाई कर सकते हैं, पहली कंडीशन रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसने 2023 के बोर्ड एग्जाम दिए हैं किसी CBSE अप्लाइड स्कूल से और कंपार्टमेंट आई है तो वो एलिजिबल है टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है, दो सब्जेक्ट में 12th में फेल हो जाता है, तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन रेगुलर स्टूडेंट है और उसकी बोर्ड एग्जाम 2023 में स्कूल अप्लाइड टू बोर्ड विद 6 सब्जेक्ट, छठा से सब्जेक्ट है प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, छठे सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, इन 2 सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स इन विच प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट, अगर 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से वो कितने यानी कि 2 सब्जेक्ट
कंपार्टमेंट में भर सकता है। किसी की देखो, अगर पांच सब्जेक्ट हैं तो एक में कंपार्टमेंट आएगी, और छह सब्जेक्ट हैं तो छह सब्जेक्ट में से, यानी कि दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है। तीसरी कंडीशन है रेगुलर स्टूडेंट्स हुज अपीयर्ड इन सिक्स सब्जेक्ट, जो छह सब्जेक्टों में अपीयर हुआ है और डिक्लेयर पास, और वो पास है परंतु बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट उसका क्लियर नहीं है। कैन अपीयर इन द फील्ड सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो उसमें अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में भर सकता है। समझ आई बात? चौथी कंडीशन है ट्वेल्थ के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स हो, अपीयर हुआ हो एग्ज़ाम 2022-23 में और डिक्लेयर हुआ हो उसका रिजल्ट पास, ऊपर वाले में भी पास था, यहाँ पे भी पास है। कैन अपीयर इन एनी वन सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, तो जिसका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उसी में वो इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में किसी में भर सकता है जो एनेक्सरी फाइव में दिया हुआ है। आगे कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेंथ के लिए, पहली कंडीशन वही थी जो उनके लिए है, अगर आपने 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं और आपके कंपार्टमेंट आई तो आप एलिजिबल हैं एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में, एक या दो सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट भर सकते हैं इन विच प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट। दूसरी कंडीशन है रेगुलर स्टूडेंट हैं आप और आपने छः से सात सब्जेक्ट में क्या दिया है एग्ज़ाम दिया है और आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड है पास है, और तो आप क्या कर सकते हैं अंडर द इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस आप भर सकते हैं। अगली कंडीशन दो, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कितने में कर सकते हैं, कैटेगरी ओनली द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वैलिड कम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर डेट शीट, जो नीचे डेट शीट दी गई है उसके माध्यम से आप अंडर इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। अगला ऑप्शन सी है रेगुलर स्टूडेंट्स हुज अपीयर इन बोर्ड एग्जाम 2022-23 में, एग्ज़ाम दिया है और डिक्लेयर रहे हैं पास रिजल्ट, कैन अपीयर इन अप टू टू सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट भर सकता है अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। देखो ऊपर छः से सात सब्जेक्ट कहा है, ठीक है जी, और नीचे यहाँ पे ओनली सब्जेक्ट कहा है पास, कैन अपीयर इन अप टू टू सब्जेक्ट्स अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट सब्जेक्ट द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर द डेट शीट, तो डेट शीट के माध्यम से नीचे जो डेट शीट दी गई कॉम्बिनेशन अगर बैठता है तो आप दो सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट अपनी भर सकते हैं। यह आपकी हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे शेड्यूल फॉर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, शेड्यूल क्या रहेगा तो अभी आपको बता दिया था, टेंथ और ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम होंगे वो 17 जुलाई से यानी कि मंडे से शुरू हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट के भी, और यानी कि जो कंपार्टमेंट है उनके भी, ठीक है जी। प्लीज़ चेक डेट शीट व्हेन इशूड बाय द CBSE, जब डेट शीट अनाउंस होगी तो आपको हम बता देंगे, तो आप बने रहिए, ओनली वन डे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, फीस एंड शेड्यूल फॉर शेड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की फ़ीस क्या है, फीस स्लेब सबसे पहले विदाउट लेट फीस, अगर आप जो डेट दी गई है उसके अंदर अगर आप भर देते हैं तो आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। फीस टू बी रिमिटेड पर स्टूडेंट्स स्कूल इन इंडिया 300 रुपये पर सब्जेक्ट, स्कूल इन नेपाल 1000 रुपये, स्कूल आउटसाइड इंडिया 2000 रुपये, तो अभी यहाँ पे हम इंडिया में हैं तो यानी कि 300 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी लगेगी, 300 रुपये पर सब्जेक्ट, ध्यान रखना 300 रुपये एक सब्जेक्ट, अगर आप दो सब्जेक्ट में हैं तो आपकी 600 रुपये लगेगी, ये ध्यान रखना, दो सब्जेक्ट में है तो 600 रुपये आपकी लगेगी। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC 1/6/2023 से लेकर 15/6/2023 तक आपकी LOC सबमिट की जाएगी, तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे यानी कि 15 तारीख का लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, तो ये बच्चे 1 तारीख से शुरू होने वाला है, तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख 6 तारीख तक अपनी जो भी फीस है या जो भी डिटेल है वो आपसे स्कूल से जो भी मांगी जा रही है तो वो आप 1 तारीख से लेकर 5-6 तारीख तक सबमिट कर दें, ताकि स्कूल वाले भी जल्दी से जल्दी वो काम आपका फिनिश कर दें। शेड्यूल फॉर फी पेमेंट डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ LOC डाटा और प्लस में 2 दिन एज पर इलस्ट्रेशन, और 2 दिन इलस्ट्रेशन के लिए
स्कूल्स के लिए दिए जाएंगे, स्कूल्स के लिए फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है जी। तो आप यानी कि सबमिशन ऑनलाइन होगा सिर्फ 1 से लेके 15 तारीख, 15 तारीख लास्ट मत मान के चलना, 15 बंद हो जाएगा, ठीक है जी। तो उससे पहले पहले ही ये सारी चीज़ें आप कर लें। शेड्यूल फॉर फी पेमेंट, तो ये जो स्कूल वाले हैं फी पेमेंट 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट करेंगे। विद लेट फीस, अगर आप 15 तारीख तक स्कूल वाले यानी कि जमा करेंगे, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, लेट डेट विद लेट फीस 2000 रुपीज़। देखो अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो जो सब्जेक्ट के वो तो लगेगी लगेगी, उसके साथ में 2000 रुपये 2000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा आपके लग जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चा लेट ना करें, 300 रुपये एक सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट की 600 हो जाएगी। तो अगर आप लेट करेंगे, देखो एक दिन भी अगर आपने लेट करा, 15 की बजाय आप 16 तारीख को गए, तो आपके 2000 प्लस में एक सब्जेक्ट में भी तो 2300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में है तो 2600 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। तो 16/6/2023 से लेके 17/6/2023 यानी कि 2 दिन आपको और दिए जाएंगे लेट पेमेंट के साथ में। तो इसलिए लेट पेमेंट कोई भी बच्चा ना करे, आप सिर्फ माइंड में रखें 1 से लेके 14 तारीख रखें, 15 भी ना रखें, क्योंकि 15 को फाइनल सबमिशन स्कूल करेगा। तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी बच्चे ऑन टाइम अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ आपसे मांगी जा रही है स्कूल से, जो फीस मांगी जा रही है, तो वो टाइम पे जमा कर दें। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th 12th आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है यानी कि अंधा है, तो उस बच्चे को कोई एग्ज़ाम फीस नहीं देनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग लेट फीस, तो वो तो मैंने आपको बता ही दी है, उसमें आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो लंबी हो जाएगी और ज़्यादा वीडियो। नो एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द लेट डेट विद ए लेट फीस और इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और लास्ट डेट के बाद में भी कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फी पेमेंट कैसे कैसे आप कर सकते हैं फीस की पेमेंट, अगर आप इंडिया में हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGC या फिर डेबिट कार्ड, और फॉरेन में है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्विफ्ट कार्ड के माध्यम से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है जी। तो ये तो तरीके हैं उसके कि किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाई स्कूल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, तो यानी कि जनरेट करेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्लेस इन द कंपार्टमेंट फ्रॉम द स्कूल लॉगिन के माध्यम से, स्कूल वालों के लिए। ये सेलेक्ट रोल नंबर, सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अपेयर इन द कंपार्टमेंट, जिनका कंपार्टमेंट है, ठीक है जी, उनको सेलेक्ट करेंगे। फाइनलाइज द सिलेक्शन एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी, उनकी एप्लीकेशन आईडी नोट करेंगे, ठीक है, जनरेट जो होगी। मेक पेमेंट ऑनलाइन, फिर उनकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जनरेट ए फाइनल लिस्ट एंड कीप एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी फॉर स्कूल रिकॉर्ड अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डिपॉजिट फीस, और उनकी जो है जनरेट फाइनल लिस्ट जनरेट होगी, ऑथेंटिकेट कॉपी को रखेंगे, और उसके साथ में जो फीस सबमिट के लिए वो भी उनके साथ में स्कूल वाले रखेंगे। ये है एनेक्सरी फाइल। एनेक्सरी फाइल में जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हीं में आप यानी कि क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यहाँ पे आप दोनों साइड में देख सकते हैं, इधर 12th का है, इधर 10th का है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप देखते जाना कि कौन कौन सब्जेक्ट्स में आपके कंपार्टमेंट है, आप उनमें इम्प्रूवमेंट भर पाते हो नहीं भर पाते हो। यहाँ पे देखिए आपके सामने है, यहाँ पे दोनों तरफ है, आप 10th में तो 10th का देखिए, 12th के हैं तो 12th का देखिए। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हो। 12th के कुछ और सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 66 सब्जेक्ट 12th के हैं, और यहाँ पे ये 33 जो है 10th के सब्जेक्ट हैं जिनमें आप इम्प्रूवमेंट या फिर जो कंपार्टमेंट है उनके एग्ज़ाम आप भर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी बच्चों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहें। अगर आपका कोई अभी भी कमेंट रहता है यानी कि सवाल रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।